वीतराग ज्ञान नमो ताहि जाते भये अरंतादिमान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज इस भव के सब दुख निके कारण में जिनकी सत्ता नाश गई प्रगटे मोक्ष उपाव प्रगटे मोक्ष उपाव मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र इन तीनों की सत्ता का नाश करके जीवन में मोक्ष का उपाय प्रकट हो यह चर्चा इस चौथे अधिकार में की गई है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब यहाँ जीव अजीवादी सात तत्व संबंधी भूल को बता रहे थे कि हे जीव तूने आज तक अनादि काल से इस देह को मैं माना इस देह को मेरा माना इस देह का कर्ता अपने आप को माना और इस देह की होने वाली समस्त आत्माओं का भोक्ता भी अपने आप को माना। ये तू सुखी होना चाहता है तो अपनी इस भूल को निकाल और वो भूल क्या है इस बात को अपेक्षित विस्तार से यहाँ धीरे धीरे यहाँ चर्चा की है। देखिए जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान में पहले तो यह बात पहली बात फिर दूसरी बात कही कि स्वयं तो जीव है ज्ञानादि सहित है और उसमें जो ज्ञानादि की अवस्था होती है वो तो मेरी अवस्था है। एक दूसरी चीज होती है वो है विभाव क्रोधादिक वो मेरा स्वभाव नहीं है वे मेरे से विपरीत भाव है और एक तीसरी अवस्था होती है शरीर के पुद्गल परमाणुओं का पलटना कल की है निमित्त क्या होता है और कर्ता कर्म क्या होता है क्योंकि ये कर्ता कर्म की भ्रांति इस जीव की बहुत बड़ी भ्रांति है। ये कर्ता कर्म संबंधी भूल इस जीव की छोटी भूल नहीं है बड़ी भूल है इस जीव की। निमित्त नैमित्तिक संबंधों में कर्ता कर्म पने की भ्रांति हो जाना संबंध है निमित्त निमित्तिक और मानता है ऐसा कि जैसे मैं ही इसका करता हूं तो बोले ये जो भूल है ये भूल छोटी नहीं है ये बहुत बड़ी भूल है। काफी बातें हुई थी यहां मैंने आंख से देखा मैंने कान से सुना मैंने नाक से सूंघा है मैं विचार करता हूं मैंने ये किया मैं सोचता हूं मन के निमित्त से होने वाले स्मरण आदि को उन सब को अपना मानता है और ऐसा समझता है कि ये सब अलग नहीं है ये सब नहीं हूं। अब देखिए अब चर्चा चल रही है ये कि साहब इस निमित्त नैमित्तिक संबंध में जीव के अनुसार शरीर चलता है या शरीर के अनुसार जीव चलता है क्या है वस्तु स्थिति। आत्मा के अनुसार शरीर की अवस्थाएं बदलती है शरीर की अवस्थाओं के अनुसार आत्मा की स्थिति बदलती है कौन किसका कर्ता धर्ता है। तो टोडरमल जी ये कहना चाह रहे हैं कल तो तुझे निमित्त नैमित्तिक बतलाया था तू भूल गया निमित्त नैमित्तिक संबंध को। यदि निमित्त नैमित्तिक संबंध को याद रखे यदि तुझे निभाई कभी तो जीव के निमित्त से शरीर की अवस्थाएं होती है। देखिए आप 80 नंबर पेज पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ अपने को बोलने की इच्छा होती है आपको भी बोलने की इच्छा होती है बहुत होती है बहुत बार होती है ऐसी इच्छा अपने को बोलने की इच्छा होती है तब अपने प्रदेशों को जिस प्रकार बोलना बने उस प्रकार हिलाता है। देखो सर भाई बोलने की चर्चा चल रही है शब्दों की चर्चा चल रही है भाषा की चर्चा चल रही है अरे साहब मैं तो कहता है कि मैं कुछ नहीं कहूंगा तब तेरी ये शब्द पुद्गल है जिस तरह के धूल के कण होते हैं जिस तरह की मिट्टी होती है धूल और मिट्टी जिस प्रकार की होती है बिल्कुल उसी तरह
ये शब्दों के भी वर्गणाएं होती है। देखिए आप, अष्टाणी का पर्व शुरू हुआ है, कार्यक्रम चल रहे हैं, कोई बात नहीं, आप आगे पीछे सुनिए जो भी जैसा हो। देखिए क्या कह रहे हैं यहां भाई, सुनिए, वैसे ही पुद्गल परमाणु है, परमाणु को मिलाकर के 23 वर्गणाएं कही गई है पुद्गलों की, 23 जाति के पुद्गल, जाति के पुद्गल ये पूरे दुनिया भर में घूमते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उन प्रकार की पुद्गल की जातियां इस प्रकार की है जिनसे हमारा विशेष संबंध संपर्क दिखाई देता है। 5 प्रकार की जातियां, एक जाति का नाम है, 5 जाति के पुद्गल बतला रहे हैं। एक हो गया शरीर, हमारे से संपर्क, ये है परगणाएं, लेकिन जीव के साथ संपर्क देता है। देखिए अकेला जीव ही नहीं, कई बार वो दीवार से कुछ गिरा और गिर करके नीचे टकराया, और टकराने पर जो आवाज हुई वो आवाज भाषा वर्गणा का काम है। समझ में आ रही बात आपको? आपका पंखा चल रहा है और आवाज कर रहा है, वो वर्गणाएं हैं भाषा संबंधी। भाषा वर्गणाओं से ध्वनि निकलती है, कुछ चेतन से कुछ अचेतन से, चेतन के निमित्त से और बिना चेतन के निमित्त के भी। बादल गरज रहे हैं, आवाज आ रही है, ये जो भी आवाज है, समझ लो ताली बजाई हमने, तो ये जो आवाज आ रही है, ये आवाज हाथों का आपस में टकराना, ये हाथ है आहार नाम की वर्गणा पुद्गल, और जो आवाज निकली है इनमें परस्पर में निमित्त निमित्तिक संबंध है। एक वर्गणाएं पुद्गल की, दूसरे वर्गणाओं की कर्ता धर्ता भी नहीं होती। देखिए ये मानता क्या है कि मुझे बोलने की इच्छा हुई, बोलने की इच्छा हुई था मेरे को, तो अच्छा इच्छा तो है जीव की, बने उस प्रकार हिलाता है, इच्छा भी जीव की है, वो भी जीव की है। तब क्या होता है कि एक क्षेत्र अवगाह संबंध के कारण, ध्यान दीजिएगा, बतलाया है पहले भी आपको, और अवगाह माने होता है रहना, एक क्षेत्र है तो एक ही जगह पर रहना वो कहलाता है एक क्षेत्र अवगाह संबंध। जहां आत्मा है वहीं शरीर है, शरीर और आत्मा की बोलने की इच्छा हुई, हमारी बोलने की इच्छा हुई, आत्मा के प्रदेश हिले और शरीर की भी अवस्थाएं, शरीर के भी अंग हिलते हैं, उसके निमित्त से भाषा वर्गणा रूप पुद्गल वचन रूप परिणमित होते हैं। अब इसमें 3 चीज बोलने में, बोलने में एक चीज हो गई आत्मा, बोलने में एक चीज तो हो गई आत्मा, बोलने में दूसरी चीज हो गई भाषा वर्गणाएं, जो हो गई शरीर, यह भाषा वर्गणा को मत लो यहां, तो भी 3 चीजें, एक हो गई बोलने की इच्छा, दूसरा हो गया आत्मा के प्रदेश, और तीसरे हो गए शरीर के अंगों की अवस्था। बोलने की इच्छा वो जीव की है, आत्मा के प्रदेश वो भी जीव के हैं, और शरीर के अंगों का हिलना, हलन चलन, ये जो होंठ हिल रहे हैं, जीभ हिल रही है अंदर, होंठ तालु, ये जो अवस्थाएं हैं, और अंदर में जो श्वासोश्वास भी जो है वो भी पार्ट ऑफ बॉडी है, तो इन सब के साथ में होने से भाषा की जो वर्गणाएं हैं, पुद्गल वर्गणाएं, वे शब्द रूप बदलती है, और उनके शब्द रूप बदलने से ये वचन सुनने सुनाए जाते हैं, देखे जाते हैं। ये सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं बोलता हूं, बोलो, प्रॉब्लम का एकाग्रता पूर्वक समझने की चेष्टा करना, हम बोलने की क्रिया के कर्ता नहीं है, बोलने की क्रिया उसके साथ में हमारा परस्पर में निमित्त निमित्त संबंध है। बोलने की क्रिया का असली कर्ता कौन है, सबकी मिली जुली अवस्था को ऐसे समझ रहा है कि ये मेरी, ये कहता है पंडित जी, मैं कह रहा हूं,
अरे यार ये जो वक्ता बोलते हैं ना, अंदर से बोलते, अंतरात्मा की आवाज सुनो, अपने अंदर की आवाज सुनो। अरे भाई ये आवाज भाषा वर्णा रूप पुद्गलों का काम है, अंदर आत्मा में आवाज नहीं होती, आत्मा में शब्द नहीं होते, आत्मा में शब्द होने रूप अवस्था बन ही नहीं सकती, तो आत्मा की आवाज कहां से आएगी। अब देखो एक बार तो इसने ये कह दिया अंदर की आवाज सुनो, और कभी कभी कहता है आवाज अंदर तक जाती है, कुछ होश नहीं है, कभी कहता है अंदर से आवाज निकलती है, आवाज है ये, आवाज अंदर जाती है और सब शब्द बिल्कुल अंदर तक प्रवेश करते हैं, बिल्कुल अंदर टच करते हैं सब इनके शब्द हमारे को, तो कहता है शब्द अंदर टच करते हैं, कभी कह रहा है यहां से निकल रहे हैं, कभी कह रहा है उधर से आते हैं, ऐसा बोलता है पंडित जी। गोली का घाव भर जाता है लेकिन बोली का नहीं भरता, ऐसा कहता है। गोली मार दो किसी आदमी को, घाव लगा शरीर में यहां कंधे पर, वो घाव तो भर जाएगा लेकिन जवान से घाव दिए हैं वो घाव कभी भरते नहीं, क्यों? तीर और देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, गंभीर घाव करते हैं, अंदर तक घुसते हैं। भैया ये यहाँ कुछ विषय वस्तु समझाने की चेष्टा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं न तो कोई शब्द अंदर से निकलता है और न कोई में अत्यंत अभाव है, और आत्मा और शरीर, शरीर और आत्मा, इन दोनों के संबंध की चर्चा है यहाँ। भाषा वर्गणाएं अलग प्रकार की है, और आत्मा वो वर्गणातीत है, मैं ऐसा कहता हूँ, ऐसा समझिए आप समझने की, शब्दातीत है, शब्द से अतीत है आत्मा, भाषा से अतीत है आत्मा, आत्मा में शब्द है नहीं और आत्मा में से शब्द निकलते नहीं, लेकिन परस्पर में ये जो बोलने की अवस्थाएं होती है ये सब निमित्त निमित्त घने संबंधों की अवस्था होती है, और उसमें भी बड़ी बात तो यह है कि बोलना कुछ चाहते हैं और निकलता कुछ है। हम यहाँ धारा प्रवाह आपके सामने पौन घंटे घंटे जो भी बोलते हैं, तो इस बोलने में जो शब्द निकलते हैं, ये शब्द एक एक वाक्य सोच सोच करके बोलते हैं क्या, एक एक वाक्य, अगला वाक्य क्या निकलता से होता है, अपनी योग्यता बनती है। तो अभी एक बात तो यह हुई कि आत्मा के निमित्त से शरीर की, अब इसी तरह की दूसरी देखिए, तथा अपने को गमनादिक क्रिया की 80 नंबर, अपने को गमनादिक क्रिया की या वस्तु ग्रहण आदि की इच्छा होती है। अब यहां भी इच्छा हुई, अब गमन करने की इच्छा हुई, वस्तु ग्रहण इच्छा हुई, इच्छाएं, इच्छाओं का जन्म वस्तु में नहीं होता, इच्छाओं का जन्म तो आत्मा में होता है ना, इच्छा स्थान कहीं बाहर में नहीं है, यह उत्पत्ति स्थान आत्मा इच्छाओं का। अब गमन करने की इच्छा हुई तो आप उठे और आप चलने लग गए, गमन करने की इच्छा हुई ना, आप उठे और उठ करके आप चलने लगे। अब चलने की क्रिया में अब बतला रहे हैं वहां क्या क्या होगा, जैसे जैसे जो है ना पदार्थ, गमन करने की इच्छा हुई आप चलने लगे, अब इसमें क्या क्या अवस्थाएं होगी, इनमें क्या क्या अवस्थाएं होती है, ये कह रहे हैं तब अपने प्रदेशों को जैसे कार्य बने वैसे हिलाता है, शरीर नहीं हिलाता है, वेद विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है ये सारे, बोलते समय इस बात का विचार करना कि मैं बोलने वाला हूं, बोलते हुए को जानने वाला हूं, गहराई से विचार करना, चलते समय इस बात का विचार करना कि जब मैं यहां से यहां चल रहा हूं, जब मैं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन कर रहा हूं, तो इस गमन करते समय में, इस गमन करने के कारण से जीव अपनी योग्यता से चल रहा है और शरीर अपनी योग्यता से चल रहा है, दो न्यारे न्यारे द्रव्य गमन कर रहे हैं, होता है क्या कभी ऐसा। ये टोडरमल जी कहेंगे आगे इस वाक्य को जब खत्म करेंगे, कहते हैं सबको ऐसा समझता है कि मैं ही करता हूं इस कार्य का, करता मैं गमनादिक का करता, करने का करता, ब्रह्म से मान रहा है इस तरह। जो भी अवस्थाएं हो रही है, जो शरीर की अवस्थाएं हो रही है, जो शरीर के गमन, हाथ हिलाने की तुम्हारी इच्छा नहीं थी, हाथ क्यों हिलाए,
दोनों तरफ स्थिति बनेगी, कभी इसकी इच्छा के अनुसार शरीर चलता है, कभी शरीर की अवस्था के अनुसार आत्मा परिणमन करता है। ये दो तरफा बात पंडित जी यहां कहना चाह रहे हैं। देखिए लास्ट लाइन इसकी, वहां एक क्षेत्रावगाह के कारण, अब फिर एक क्षेत्रावगाह की चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब पर वस्तुओं की बात नहीं है, शरीर और आत्मा की बात है। आत्मा और शरीर इनका संबंध है एक ही क्षेत्र वाला, इनके परस्पर एक क्षेत्रावगाह संबंध के कारण शरीर के अंग हिलते हैं तब वह कार्य बनता है। तेरी चलने की इच्छा थी आत्मा के प्रदेश, उस कार्य बनता है, अथवा अपनी इच्छा के बिना शरीर हिलता है। अब ये बात ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण बात की तरफ मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूं आपका। पहले कहा था बोलने की इच्छा जीव की होती है, और फिर प्रदेश उस रूप होते हैं, और फिर शरीर उसके अनुसार शरीर। फिर नीचे लास्ट पैराग्राफ में कहा 80 पर, जीव के गमनाधिक वस्तु ग्रहण करने की इच्छा होती है, इच्छा जीव की, अपने प्रदेशों का कार्य उसी प्रकार सामने, दोनों अपने में हुआ। अपने में होने पर क्योंकि शरीर से एक क्षेत्रावगाह संबंध है, इसलिए शरीर के अंग हिले। शरीर के अंग क्यों हिले, निमित्त कौन, बोले आत्मा। इनके कार्य की बात कह रहे थे, अब उल्टा कर रहे हैं वाक्य को, उस तरफ से लगा रहे हैं। 81 नंबर पेज की पहली लाइन देखिए, 81 नंबर पेज की पहली लाइन में कह रहे हैं, अथवा अपनी इच्छा के ना, ओ वेद विज्ञान अब हो गया, तेरे को इच्छा नहीं है, अपनी इच्छा के ना शरीर हिलता है। ऐसा कंप रोग ऐसा हो जाता है, दूज रहा है, वृद्धावस्था में क्या होता है, 80 साल की उम्र में ऐसे हिलने लग जाता है, हाथ दूजता है, गर्दन इस तरह से हिलने लग जाती है। अब ये हिलाना नहीं चाहता है, व्यक्ति ने टोक दिया, तो टोकते ही क्या होता है बतलाओ, हुआ अचानक हिलने लग गया, कभी आंख फड़कने लग जाती है, मान लो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जिसे दुनिया में अशुभ कहा जाता है, इन आंखों का फड़कना, इस हाथ का फड़कना, दाएं बाएं अंग इस तरह से फड़कने लग जाते हैं, दूसरे प्रकार की अवस्था बने, शरीर की अवस्था इस प्रकार की बने, और आपकी इच्छा नहीं हो तो आप कि मेरे अनुसार शरीर नहीं चलता, शरीर की अवस्था अपनी योग्यता है, मैं अपनी योग्यता से काम करता हूं, ये भेद विज्ञान के लिए बहुत सुंदर पॉइंट है। शरीर की अवस्थाओं की बात कह रहे हैं यहां, श्वास आ रही जा रही है, श्वास का आना जाना, ये काले ऐसे खर्राटे आते रहते हैं, क्या होता है मैं क्या बतला, बोलते रहते हैं, अब इच्छा तो नहीं है, अब ये तेरी इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, बात नहीं, लेकिन आप देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कोई बात नहीं, अभी तो ऐसा ही चल, पराधीन है, क्या करना चाहता था, और अब ये जैसी स्थिति है, आवाज जो भी बन रही है, अपन क्या कर सकते, देखिए जरा 81 नंबर पेज पर आगे बढ़ते हैं, थोड़ी विषय वस्तु को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इतनी बात तो हमारे समझ में आ गई कि मेरी इच्छा के अनुसार शरीर नहीं बदल रहा, और शरीर की अवस्थाओं के अनुसार परिणमन करता है, मन करता है, तो आत्मा के प्रदेश भी उसमें उसी तरह से परिवर्तित होते हैं। जी साहब आगे चल करके इस प्रकार की बात कहेंगे, ये जो नैमित्तिकपना हो रहा था, इसके अवस्था के कारण ऐसा दिख रहा था, और इसके कारण ऐसा दिख रहा था, इसकी वजह से तुझे ऐसा लगा कि वो नहीं है, एक ही है, और ये भूल है, ये अनंत संसार का कारण है, ये प्रवृत्ति है मिथ्या दर्शन की। आपको ये दो नहीं होकर के एक लग रही है ना, ये एक लगने का नाम है मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। आपको ये दो नहीं दिख करके एक दिख रहा है, बोले भ्रम से दिख रहा है, धोखा हो गया है। कभी कभी आंखें खराब होती है ना, आंखें खराब होती है, धोखा ही दिखने लग जाता है, कभी एक के दो दिखने लग जाते हैं,
जब आंखें खराब होती है तो। इसी तरह से कहते हैं जब श्रद्धान खराब होता है, जब मान्यता बिगड़ी हुई होती है, जब अभिप्राय बिगड़ा हुआ होता है, तब क्या होता है? बोले दो वस्तुएं भी एक दिखती है, दो में एकत्व पना दिखाई देता है। इसलिए इस बात को गहराई से दिन भर, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक 24 घंटे निरंतर 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 अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते रहो। हमारे चिंतन में वेद विज्ञान की ये धारा बराबर चलती रहे कि मैं इनको करने वाला नहीं, जानने वाला हूं। ये शरीर का परिणाम अपनी योग्यता से हो रहा है, मैं इसे मात्र जानने वाला हूं। मेरा काम तो मात्र जानने का है। अभी तक तो बात कही यहां 2-3 पैराग्राफ में सिर्फ इच्छा इच्छा के बारे में। पिछले 2-3 पैराग्राफ में जो चर्चा हुई है, बोले इसकी इच्छा ऐसा है, इसकी अवस्था ऐसा होता है, इच्छा की बात की। अब जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं इस जीव के परिणाम कषायों के बारे में। अब कह रहे तथा जीव के कषाय भाव हो इस जीव के, शरीर की चेष्टा उनके अनुसार हो जाती है। अब गुस्सा आया जीव को इधर, मतलब जीव के अंदर के कषाय भाव और शरीर की अवस्था है। कषाय भाव इधर हो रहा है, अब गुस्सा आने पर अलग स्थिति बनेगी। माने अंदर में जब इसके कषाय भाव होते हैं, हाथ से रति रति आदि परिणाम होते हैं, तो शरीर की अवस्थाएं भी उसके अनुसार होती हुई दिखाई देती है। एक कहावत चलती है इंग्लिश में, फेस इज द इंडेक्स ऑफ हार्ट। ये आपके हृदय का दर्पण है, आपके अंदर के भाव आपके चेहरे से व्यक्त हो जाते हैं। आपको देखने मात्र से पता लग जाता है कि आपके अंदर में क्या चल रहा है। कोई व्यक्ति दुखी होता है तो चेहरे पर उस तरह के भाव होते हैं, कोई व्यक्ति प्रसन्न होता है तो इस तरह के भाव होते हैं, कोई व्यक्ति गुस्सा करता है तो भाव अलग तरह के होते हैं, मायाचारी करता है तो चेहरे पर अलग तरह से दिखाई देने लगता है। ये बात यहां कह रहे हैं पंडित जी साहब कि जीव के कषाय भाव हो तब शरीर की चेष्टा भाव के अनुसार हो जाती है। उदाहरण दे दिए पंडित जी साहब ने, क्रोध अधिक होने पर लाल नेत्र अधिक हो जाते, गुस्सा बहुत तेज आ रहा है, आंखें लाल हो गई। अब गुस्सा तो जीव का है, गुस्सा कहां आ रहा है? गुस्सा तो जीव का है, जीव के परिणामों में हो रहा है, और आंखें हो गई लाल। तो आंखों का लाल हो जाना शरीर का परिणाम है और क्रोध जीव का है, तो क्रोध के निमित्त से ऐसी अवस्था। इसी तरह से हास्यादि होने पर मुखाधिक प्रफुल्लित हो जाते हैं। आदि शब्द में सब लगा लेना, हास्य रति रति शोक जुगुप्सा। पुरुष वेद आदि होने पर, भोग का परिणाम आने पर लिंग काठिन्यादिक हो जाते हैं। जब भोग का परिणाम आता है, जब वेद कषाय उत्पन्न होती है, परिणाम अंदर में भोग के होते हैं, तो लिंग की कठोरता आदि हो जाना, काठिन कठोर हो जाते हैं। यह सब एक मानकर ऐसा मानता है कि यह कार्य सब मैं करता हूं। अब इसके तो काम थे भाव के, इसके जो भाव हो रहे थे वो तो इसके थे, इच्छाएं विचार तो इसके थे, और शरीर की अवस्थाएं बदल रही है, आंखें लाल हो गई, मुंह चेहरा तमतमा गया, और एकदम अब आंखें भी लाल नहीं हुई, अब बोलता है भड़का कर रहा हूं गुस्सा, कितना तेज गुस्सा आ रहा है, मुझे कहां आ रहा है गुस्सा, चेहरे से दिख रहा है उसको गुस्सा आ रहा है, कोई मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अंदर में हास्य के परिणाम चल रहे हैं तो मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका चेहरा देख करके बतला देते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं क्या बात है भैया, क्या तकलीफ है? कि नहीं कोई तकलीफ नहीं है, कि नहीं नहीं कोई तो बात है, आपका चेहरा थोड़ा सा उदास दिख रहा है। आपके चेहरे से ख्याल में आई है कि अंदर में कोई ना कोई वेदना है, चेहरा ही उतर गया। देखो कभी कभी बच्चे बीमार होते हैं, उनको देख करके अपन नहीं कहते हैं, देख बच्चे का चेहरा ही उतर गया बेचारे का, देखो आप तो अंदर पीड़ा है, अंदर में दर्द होता है, तो शरीर की अवस्थाएं भी उस रूप होती हुई दिखाई देती हैं। और ये नॉर्मल नहीं कह रहे, सब कुछ मान करके ऐसा मानता है कि यह कार्य सब मैं करता हूं, कर्तृत्व संबंधी इसकी मान्यता चल रही,
मैं करता हूं, ये मैं हूं, ये मेरे हैं और मैं इनका करता हूं। ये कर्तृत्व संबंधी इसकी जो मान्यता है, मान्यता वो यहां चल रही है कि मैं इन सब का करता हूं। भाई साहब, मैंने एक खींच के चांटा मारा, तेरे हाथ में नहीं है। अंदर में गुस्सा आएगा तो तेरे हाथ में नहीं है, और पड़पड़ाने लगते। टोटमल जी ने कही थी पीछे अवस्थाएं, क्रोध अधिक होने पर किस प्रकार की अवस्थाएं होती है, इसका चित्रों की अवस्था में 53 नंबर पेज पर किया था, ध्यान है आपको, पीछे 53 नंबर पेज पर इस प्रकार की बातें कही थी। मैं दिखाऊं क्या आपको, खोल करके आप खोल लेना। 52-53 नंबर पेज पर ऐसी अवस्थाएं कही थी, क्रोध हो जाने पर ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, अंगों से धारण करता है, मर्मच्छेदी वचन बोलता है, बुरा करना लग जाता है, अंगों को बात करने लग जाता है, संतापवान हो जाता है। इस तरह की थोड़ी बहुत चर्चा दूसरे अधिकार में भी की थी, चारित्र मोह की अवस्था, क्रोध होने पर कैसा कैसा होता है, वो सारी अवस्थाएं। देखो आप, ये चक्कर है 38 नंबर पेज का, बुरा चाहता है, क्रोध का उदय आने पर अनिष्ट मान करके बुरा चाहता है, उनका परिणमन करना चाहता है, अन्यथा परिणमन करना चाहता है। ये सारी बातें अपन पीछे पढ़ चुके हैं। क्रोध में मन में शोक भय होती है, आप चेहरे पर आपका डर स्पष्ट झलक रहा है, मजा आ रहा है मेरे को देख करके। जैसे मान लो एक साल का बच्चा है, किसी खिलौने से डरा है, अब खिलौने ये कह रहे हैं सबको ऐसा समझता है कि मैं करता हूं। आगे पढ़े, तथा शरीर में शीत उष्ण, शरीर में शीत माने सर्दी, उष्ण तृषा माने प्यास, बीमारियां इत्यादि अवस्थाएं होती हैं, ये सब शरीर में अवस्थाएं होती है, उनके निमित्त से अभी जो बात कही ऊपर वाली लाइनों में, टोडरमल जी के इन पैराग्राफों में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। इतनी गहराई है, कसावट देखिए आप, इधर से बात करते हैं फिर इस तरफ से बात करते हैं। माने जैसे अपने यहां देखा था गमनादि क्रियाओं में बिना इच्छा के भी शरीर की अवस्थाएं हुई तो इसका हाथ हिलने लगा, शरीर की अवस्थाएं हुई तो बिना इच्छा के भी होने लगा। जैसे समझिए आप, मैं ये कह सकता हूं जैसे किसी को नींदों में चलने की आदत होती, अब इसकी इच्छा तो नहीं है चलने की, तो शरीर की अवस्था जैसी हो बीमारी है, वो जैसी अवस्था हो रही है उसके अनुसार आत्मा भी चल रहा है। दो द्रव्य साथ साथ गमन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आत्मा भी चल रहा है और शरीर भी चल रहा है। देखो यदि इन दोनों का कॉम्बिनेशन बराबर नहीं हो आपस में, जैसे आप किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति बाइक स्टार्ट करके बैठा हुआ है और आपने आपसे कहा बैठो पीछे, और बगल में खड़े खड़े आप बात कर रहे हो किसी व्यक्ति से, आपको ध्यान नहीं है, उसने अचानक चला दिया तो बैठा हुआ व्यक्ति पीछे गिर जाता है, बैठा हुआ भी, क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर नहीं था चलने के लिए, माने आत्मा चलने के लिए तैयार नहीं था। शरीर एकदम झटके से चला तो शरीर अंदर आत्मा का परिणाम और शरीर, इन दोनों की बराबर बैलेंस नहीं बनता है। चलते समय जो शरीर का बैलेंस बन रहा है, इस बैलेंस में बराबर काम कर रही है, करे उसी स्पीड से शरीर भी गमन करे तो स्थिति बराबर बनी रहती है। आपको क्या लगता है, ट्रेन में सफर करते हैं तो शरीर चलता है कि आत्मा चलता है, या ट्रेन चल रही है? आपको लगता होगा हम थोड़ी ना चल रहे हैं, ट्रेन चल रही है भाई साहब, हम तो बैठे हैं, हम नहीं चल रहे। नहीं भैया, तुम यदि तुम ना चलो और ट्रेन चल जाए तो वही स्थिति होगी जैसे बाइक पर तुम नहीं चले और बाइक बढ़ गई, ऐसे हो गया पीछे एकदम झटके से। इसका मतलब आप भी उसी स्पीड से चल रहे हैं, शरीर के पुद्गल परमाणु भी उसी किलोमीटर की रफ्तार से, 100 किलोमीटर की रफ्तार से, 120 किलोमीटर की रफ्तार से, जिस रफ्तार से रही है, शरीर के पुद्गल परमाणु भी उसी रफ्तार से चल रहे हैं और अंदर जो बैठा हुआ आत्मा जीव तत्व है वो भी उसी रफ्तार से चल रहा है। तो अभी एक बात तो ये कही कषाय के अनुसार शरीर की अवस्था,
आधे पैराग्राफ की बात कर, तेरी जैसे अंदर भाव हो रहे थे वो चेहरे पर झलक रहे थे। अब उल्टा करते हैं इस वाक्य को, बोले शरीर पड़ गए तो अंदर में तेरे भाव ऐसे होने लग गए। फर्क समझ में आ रहा है? तुमने की इधर से क्या किया, कषाय, कषाय की मैंने और शरीर उस अनुसार हो गया। जैसे जैसे गुस्सा बढ़ता जाता है वैसे वैसे चेहरे की मुख मुद्रा भी बदलती चली जाती है। तो भाव हो रहे हैं वो बन रहे हैं निमित्त, और शरीर की अवस्थाएं उसके अनुसार बदलती चली जा रही है। पिताजी साहब क्या आ रही है बात? अब उल्टा करो इस चीज को। अब ये कह रहे हैं शरीर में लगी भूख, शरीर में लगी प्यास, शरीर हो गया गर्म रोग के कारण, शरीर को लग रही है सर्दी, शरीर को लग रही है गर्मी। अब ये गर्मी सर्दी तो शरीर का काम है, गर्म हो गए शरीर। तो कहा इसके अनुसार ये जीव मोह भाव के कारण जीव अपने परिणाम उस अनुसार करता है। देखिए जरा यहां चौथी लाइन है इस पैराग्राफ की, 81 नंबर, तथा शरीर में शीत उष्ण क्षुधा तृषा रोग इत्यादि अवस्था होती है उनके। ऊपर क्या कहा था? कषाय के निमित्त से शरीर की अवस्थाओं की बात हुई थी, यहां कह रहे हैं अवस्थाओं के निमित्त से मोह द्वारा स्वयं सुख दुख मानता है। मोह भाव तो इसका खुद का है, सुख दुख इन सब को एक जानकर शीताधिक तथा सुख दुख अपने को ही हुए मानता है। क्या कह रहे हैं? सुख दुख मोह भाव साथ में। अभी अब देखो तीन चीजें हो गई यहां, एक हो गया आत्मा, एक हो गया आत्मा का मोह भाव कषाय भाव, और तीसरी हो गई शरीर की अवस्था। यहां भी तीन चीजें हैं, आत्मा आत्मा मोह भाव या कषाय भाव और शरीर की अवस्था। बोले इन सब को अपने हुए मानता है, एक मानता है, यह भी इस जीव की भूल है। आगे पढ़ें थोड़ा सा, देखिए एक पैराग्राफ और लेते हैं, तथा शरीर के परमाणुओं का मिलना बिछोड़ना, शरीर के परमाणु है, इन परमाणुओं का मिलना और परमाणुओं का बिछोड़ना आदि होने से अथवा उनकी अवस्था पलटने से या शरीर स्कंद के खंड आदि होने से स्थूल कृशाधिक बाल वृद्धाधिक अंगहीनाधिक होते हैं और उसके अनुसार अपने प्रदेशों का संकोच विस्तार होता है। यह सबको एक मंदिर, मैं स्थूल हूं, मैं कृश हूं, मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं, मेरे इन अंगों का भंग हुआ इत्यादि मानता है। भाई साहब बातें बहुत गंभीर है, बातों में गहराई बहुत है। पूरा पैराग्राफ तो मैं पढ़ गया आपके सामने, अब जरा एक एक शब्द को थोड़ा गहरा देखना। शरीर के परमाणुओं का मिलना बिछोड़ना, शरीर के परमाणु मिले और बिछुड़े, बोलो ये हो रहे हैं किस किस के अनुसार हो रहे हैं भाई साहब? वजन बढ़ गया, वजन है? वजन किसके हिसाब से बढ़ रहा है बतलाओ? हमारे नहीं चाहने पर परमाणु आ रहे हैं, कहां से बढ़ गया वजन? हमने ऐसे ऊपर से कोई मिट्टी थोड़ी ना लगा ली है, हमने ऊपर से अपने दिमाग में कोई ऐसा डाल थोड़ी ना लिया है जिसकी वजह से बढ़ गया। ऐसा थोड़ी ऐसा, आप भोजन करके वजन देखो तो आधा एक किलो वजन ज्यादा दिखेगा, किलो वजन कम होगा, ऐसा होता है क्या? तो वो जो माने उससे कोई मतलब नहीं, पुद्गल परमाणुओं के ग्रहण होने पर ऑटोमेटिक वजन के घटने बढ़ने की स्थिति अपने आप होती है, उनकी अवस्थाएं पलट जाती है। मिलना बिछुड़ना होता है शरीर के परमाणुओं का, शरीर के परमाणुओं की अवस्थाएं भी बदल जाती है, शरीर के स्कंद के खंड खंड हो जाते हैं। शरीर स्कंद था, कभी बाल झड़ने लगे, खंड खंड हो गए, बोलो। कभी शरीर स्कंद में था ना दांत, ये दांत निकल करके बाहर आ गए। कभी शरीर स्कंद में थे ना नाखून, ये नाखून निकल करके अलग हो गए। कभी ऐसा हो जाता है उंगली कट गई, किसी का हाथ कट गया, तो शरीर स्कंद था, यहां से निकल करके ऐसा हो गया।
किसी कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे केस हमारे यहाँ बहुत देखे गए हैं दूर से, अरे इतना तेज कटता है कि वो कट करके रोड पर चलते अलग हो गया ऐसा। तो शरीर के स्कंद थे, ये शरीर के स्कंद टूट कर छूट कर ये अलग हो जाते हैं, कभी स्थूल हो जाते हैं कभी कृशादिक हो जाते हैं। स्थूल माने मोटा तगड़ा, ऐसा भारी वजनदार हो गया, स्थूल हो गया, और कृश हो गया माने ऐसा कृश हो गया। कभी तो फूले जा रहा है, फूले जा रहा है, कभी मुझे ऐसा लगता है इसको फटेगा क्या यार, ये कितना बड़े जा रहा है। कोई व्यक्ति जो ज्यादा मोटा व्यक्ति दिखाई देता है हमको, यार बड़े जा रहा है, फूले जा रहा है, तो फट जाएगा ये, तो फटेगा क्या ये, मुझे ऐसा लग रहा है फट नहीं जाए। तो ये जो स्थिति दिखाई दे रही है ये स्थूल, और कभी कृश हो जाता है, इतना पतला हो जाता है कि ऐसा लगता है शरीर है ही नहीं। कभी बालक अवस्था दिखाई देती है शरीर की, कभी वृद्ध अवस्था दिखाई देती है, अथवा अंग हीनादिक होते हैं, कभी ऐसे भी हो जाते हैं, अंगों की हीनादिकता की अवस्थाएं दिखाई देती है। कभी ऐसा होता है फूल जाता है, कभी उंगलियां सूज जाती है, तो यहां से अधिक हो गई उंगलियां, ये उंगलियां मोटी हो गई सूज करके, ठंड के दिनों में बरसात में ऐसा कुछ हो गया। जब ठंड के सर्दियों के समय होते हैं तो पैर जमीन पर रखते पैरों की उंगलियां सूज जाती है, ऐसी अवस्थाएं होती है, और उसके अनुसार अपने प्रदेशों का संकोच विस्तार होता है। शरीर की अवस्था के अनुसार आत्मा के प्रदेशों का संकोच विस्तार होता है। मोटा हो गया व्यक्ति, बड़ा हो गया, जन्म हुआ था तब तो इतना सा था, इतना सा भी क्यों, जन्म असली में आया था तो उस समय तो लट के आकार का था जब जन्म हुआ था, तो असली शरीर का जो आकार है ना वो लट लट बराबर था, अंदर पेट आत्मा के प्रदेश उसी में फैले हुए थे। अब वो बड़ा 1 इंच का हो गया, 2 इंच का हो गया, 3 इंच का हो गया, 1 इंच का हो गया पेट में, अब बढ़ता है धीरे धीरे, बढ़ रहा है और बढ़ा गया और बढ़ा, तो आत्मा के प्रदेश भी उसी साइज में बढ़ते चले जा रहे हैं। अब यहां जन्म हो गया, इतना बड़ा जन्म हुआ, अब फिर 5 फिट का हो गया, 5.5 फिट का हो गया, तो बोले शरीर बढ़ता चला जा रहा है, अब तो स्थिर हो गया ना, अब तो घटना बढ़ना नहीं हो रहा है कि नहीं, अब पतला हो जाता है तो आत्मा अंदर से सिकुड़ जाता है, मोटा होता है तो आत्मा भी शरीर के प्रमाण जैसा फैलता रहता है। कभी शरीर कट गया, हाथ जैसे कट गया, तो आत्मा जो वहां तक फैला हुआ था ना वो सब सिमट करके बचे हुए शरीर के हिस्से में सिमट करके रह जाता है। यहां से हाथ कट गया, मान लो गब्बर से हाथ, किसके, ठाकुर के, ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, ओ ये लगाया झटका, अब क्या हुआ, हाथ अलग हुए, अब हाथ अलग हुए तो आत्मा फैला था ना इन हाथों में, दोनों साइड में जो आत्मा फैला हुआ था, अब हाथ तो नीचे गिर करके तड़बड़ाता रहता है, और जो सिमट करके जो आत्मा है वो इस शरीर प्रमाण हो जाता है, ऐसी अवस्था बनती है। तो यह सबको एक मानता है, प्रदेशों के संकोच विस्तार होता है, यह सबको एक मानता है, मैं स्थूल हूं, मैं मोटा हूं साहब, और यार मैं बहुत मोटा हो गया, मेरा बहुत वजन बढ़ गया, मैं मेरी मेरी ऐसी स्थिति हो गई, मैं क्रश हूं, मैं कमजोर बहुत हो गया पहले से। ये स्वयं दूसरे को कहता है, दूसरा इसे कहता है, ये स्वयं अपने आप को मानता है, कृष्ण मानता है, कृष्ण वो नहीं उड़ने वाला, मैं बालक हूं कभी अपने आप को बालक मानता है, मैं वृद्ध हूं कभी अपने आप को बूढ़ा मानता है, और मेरे इन अंगों का भंग हुआ है, तो यहां तो मैं मेरा और मैं इनका कर्ता, इन सारी अवस्थाओं की चर्चा ये टोटल सामने आ गई है। कितना बारीकी से वर्णन कर रहे हैं, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल के बारे में कह रहे हैं, कभी तो जीव के अनुसार शरीर को मानता है, कभी शरीर के अनुसार जीव को मानता है, एक दूसरे की ऐसी मिली जुली सरकार जैसी मानता है। तो पंडित जी साहब यहाँ कहना चाह रहे हैं ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूले हैं भाई साहब, तरह की बातें कही है, विषय तो थोड़ा सा भी चलेगा, अभी कल तक तो कम से कम चलेगा, इस विषय को कल पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल के संदर्भ में हम कुल मिलाकर के इस प्रकरण को पढ़कर यह अभ्यास करने की कोशिश करें, इस प्रकरण को पढ़कर और सुनकर निरंतर विचार करो, बुद्धि पूर्वक तत्व विचार में, तत्व निर्णय में उपयोग लगाना, हे जीव यही तेरा कर्तव्य है।
कोई कर्तव्य नहीं है। हर समय मैं इसको करने वाला कि इसको जानने वाला, करने वाला कि जानने वाला, मैं क्या करना चाहूं कि मैं कर रहा हूं। इस तरह के वेद विज्ञान की धारा यदि हमारी चलती रहेगी जाएगी। निज ही निज में बताई यह अंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत। एक विशेष कार्यक्रम पर्व के अवसर पर प्रारंभ हुआ है, पूरे देश में सभी लोग लाभ लेते रहे, आगे पीछे लाभ लेते रहे, इन प्रवचनों का लेते रहे, वहां लेते रहे। कुंद गांधी सुरक्षा ट्रस्ट की तरफ से समझ लीजिए आप, कुंद गान पारमार्थिक ट्रस्ट की तरफ से समझ लीजिए आप, साधना नगर इंदौर की तरफ से और पुणे में ट्रस्ट चल रहा है, इनकी तरफ से पूरे देश में एक बहुत बड़े विशाल स्तर पर अष्टानिका महापर्व विधान, विद्वानों के प्रवचन, गोष्ठियां, आयोजन, पूरे पूरे दिन भर के कार्यक्रम, ये सब कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। 8 दिन अष्टानिका महापर्व बहुत धूमधाम से मनाइए, सभी कार्यक्रमों का लाभ लीजिए। नेक्स्ट उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण सक्रियता से कार्य कर रही है, आप सब कार्यक्रम देखते रहें, लाभ लेते रहें, अपने जीवन का निर्माण करते रहें। जय जय जी।